12 में व्यूअर्स आया हूं आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश सेमी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स। जो लोग भी हमारे WBJEE में पार्टिसिपेट कर रहे हो WBJEE काउंसलिंग में, उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा मैं आपको पूरा प्रोसेस बोलता हूं। बट उससे पहले चैनल पे जो लोग पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आकाश सेमी एजुकेशन पर आपको ऐसी WBJEE की हर दिन रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी, ठीक है। प्लीज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बिकॉज सब लोग के लिए ये अपडेट्स जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखा देता हूं कि क्या चीज क्या हो रही है और क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन हैव द फॉलोइंग आउटकम्स। आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जो बोलूंगा ठीक से सुनना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं अगर आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया। ओके अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखो द प्रेजेंट अलॉटमेंट मे बी कैंसिल इफ, अगर आप लोगों ने गलत आपका एकेडमिक स्कोर 12th का जो स्कोर वगैरह है वो गलत डाला, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आप ओबीसी नहीं हो बट ओबीसी डाल दियो, जनरल हो अगर ओबीसी नहीं कर पाए हो तो ओबीसी डाल दियो, तो एट दैट केस आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बट आपके लिए ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सच कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट राउंड विद द रिवाइज्ड एकेडमिक स्कोर एंड कैटेगरी। मतलब आपका जो एकेडमिक स्कोर कैटेगरी जो न्यू, मतलब अगर आप लोग पहले ओबीसी डाले थे, ओबीसी नहीं हो और आपका स्कोर भी आपने गलत डाला था, तो नेक्स्ट राउंड पे आप फर्दर अपग्रेड हो जाओगे एंड आपको कंसीडर किया जाएगा वो जो आपका असली स्कोर एंड कैटेगरी है उसके हिसाब से। ओके सो ये जब आप लोग डालना कैटेगरी एंड स्कोर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काउंसलिंग के, तो आप प्लीज इसके ऊपर ध्यान रखना, गौर करना प्लीज इस चीजों के ऊपर, आप लोग दिमाग पे रखना। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, अपग्रेडेशन ऑप्शन यस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन, वी हैव टू ऑप्शंस। ओके दो ऑप्शन आती है, तो ये दो ऑप्शन को आपको लेके खेलना पड़ेगा। बोल देता हूँ प्रोसेस, देखो अगर आपको जो भी लोग आपको फर्स्ट चॉइस जो है वो मिल गया, अगर समझ लो फर्स्ट राउंड आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया, ये मेरा फर्स्ट चॉइस था, समझ लो एक्स वाई जेड कॉलेज मेरा फर्स्ट चॉइस था, वो मुझको मिल गया, तो एट द टाइम आपका पास कोई उपाय नहीं है, आपको फ्रीज करना पड़ेगा सीट को। फ्रीज करने का ऑप्शन ऑनलाइन पे आएगा, आपको सीट को फ्रीज करना पड़ेगा एंड सीट को फ्रीज करने के बाद आपको जो PI ऑनलाइन जब रिपोर्टिंग होगा फिजिकल रिपोर्टिंग, उस टाइम पे आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म, यू हैव टू गिव द नो अपग्रेडेशन फॉर्म टू द इंस्टीट्यूट व्हिच यू हैव व्हिच यू विल अलॉटेड। ओके जो आप जहां पे अलॉटेड होंगे वहां पे आपको ये चीजें नो अपग्रेडेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। ये पहला केस था। अब दूसरा केस हम लोग समझना कि अगर आप लोग आपका सेकंड और जो चॉइस है सेकंड चॉइस और फर्स्ट चॉइस के अलावा कोई भी चॉइस हो सकता है, मतलब समझ लो एक्स वाई जेड आपको फर्स्ट चॉइस था वो आपको नहीं मिला, उसको उसके अलावा आपको दूसरा कोई भी कॉलेज कोई भी चॉइसेस मिल गया फर्स्ट चॉइस को छोड़ के, सेकंड थर्ड फोर्थ 21st जो भी चॉइस मिला आपका हो सकता है, उस टाइम पे आपको अगर आप लोग खुद को अपग्रेड करना चाहते हो फर्स्ट चॉइस के लिए, तो यू हैव टू गिव नो अपग्रेडेशन फॉर्म, आपको नो अपग्रेडेशन फॉर्म देना पड़ेगा ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। आप देख लेना कि इफ द कैंडिडेट ऑप्टेड्स फॉर नो अपग्रेडेशन एंड देन डज नॉट कंप्लीट द एडमिशन, ही विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीट अलॉटमेंट इन द फर्दर राउंड। अगर आप लोगों ने नो अपग्रेडेशन फॉर्म ना जमा दिया, मतलब आप अपग्रेड करना चाहते हो बट ये फॉर्म आपने चॉइस करके ना दिया, तो आपको निकल के जाएगा काउंसलिंग और स्टेप से काउंसलिंग प्रोसेस, मतलब आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि आप अगर आपका सेकंड जो चॉइस है आपका चॉइस फर्स्ट चॉइस आपको ना मिला, तो यू हैव टू गिव योर अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आपको खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, जो लोग चाहते हो कि नहीं मुझको सेकंड राउंड जो भी मिला फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में ये मेरे लिए आप बहुत अच्छा है, मुझे यही चाहिए, वो ठीक है, वो जो मिल गया मिल गया, तो अगर लेना चाहता हूँ, तो एट द टाइम यू हैव टू गिव योर यस अपग्रेडेशन फॉर्म। तो यस अपग्रेडेशन एंड नो अपग्रेडेशन फॉर्म, दीज टू पॉइंट्स आर मेजरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, कोई भी हो सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके एंड समझ लो थर्ड ऑप्शन क्या है कि इफ द सेकंड और आपको फर्स्ट चॉइस ना मिला, सेकंड और उसके बाद का अगर कोई चॉइस मिला हो और अगर आपको यू अपडेट यस अपग्रेडेशन, सो नॉट टू टेक एडमिशन इन द फर्स्ट राउंड, सो सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर पॉसिबली अपग्रेडेशन सेकंड राउंड। अगर आपने यस अपग्रेडेशन दिया आप सेकंड और उसके बाद का कोई चॉइस आपको मिला, आप यस अपग्रेडेशन दिए तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा आपके सेकंड राउंड पे। ओके इफ आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद अगर आपने, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके करवा लिया वहां पे बट नाइदर ऑप्टेड यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन, अगर आपने यस और नो में से कोई ऑप्शन ना कोई भी फॉर्म जमा ना करवाया, मतलब समझ लो कि आप वहां पे गए आपका जो भी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सब कर दिया, ठीक है, बट यस आप
आर्टिफिशियल ऑपरेशन कोई भी ऑप्शन आपने चूज नहीं किया, कोई भी फॉर्म आपने नहीं दिया, एट दैट टाइम ही और शी विल बी कंसीडर्ड नो इंटरेस्टेड इन एडमिशन एंड एट दैट टाइम आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आपको फर्दर राउंड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा. सो यू मस्ट कंसिडर दीज थ्री पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप योर यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन एनीथिंग एनी ऑफ दिस टू यू मस्ट कीप इन द टाइम ऑफ योर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. सो ये तो फॉर्मेट्स ऑलरेडी मैंने मेरे ग्रुप पे डाल दिया, वेबसाइट पे भी है, जाके ज्वाइन कर लो ग्रुप को, वहां पर मिल जाएगा, फिर से मैं डाल दूंगा. प्रिंट आउट करके रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, अगर भूल गए तो कैंसिल हो जाएगा सीट. देख लो ना, फोर्थ पॉइंट देख लो कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया, समझ में भूल गए कि करना है ना करना है, यस अपग्रेडेशन ऑपरेशन, सो एट दैट टाइम योर एडमिशन विल बी कैंसिल. सो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा, यू मस्ट रिमेंबर दीज फोर पॉइंट्स. ओके, कोई भी ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट चॉइस मिल गया तो यस नो अपग्रेडेशन देना ही पड़ेगा, सीट फ्रीज करना पड़ेगा. अगर फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड मिला, थर्ड मिला, फोर्थ मिला, कोई भी मिला, फर्स्ट को छोड़ के कोई भी मिला, सो आप चाहते हो कि मैं मुझे फर्स्ट ही चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझको फर्स्ट जो चॉइस है वो मुझको पाना है, तो यू हैव टू गिव योर यस अपग्रेडेशन. एंड इफ अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई जो मिल गया ठीक है वही मिल गया, ओके मैं दूसरा तीसरा जो भी चॉइस मुझको मिला ये दैट्स ओके फॉर मी, तो उस टाइम नो अपग्रेडेशन करना पड़ेगा. बट कोई कुछ भी देना पड़ेगा, अगर आपने नहीं दिया तो इस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाएगा. अगर आपने सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी लिया तो भी कैंसिल हो जाएगा. और दूसरा और एक चीज कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, मेक श्योर कि आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है, नंबर वगैरह, स्कोर वगैरह, ये ठीक से डालो यार, बार बार बोल रहा हूं मैं जानता हूं कि आप में से कुछ सारे गधे हो जो मुझको फिर से मैसेज करोगे, भैया हमने तो गलती कर दिया, नंबर डालने में गलती कर दिया, स्कोर डालने में गलती कर दिया. अरे ये यार आप मुझको, मैं आपको काउंसलिंग शुरू होने से पहले कितने बार चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई ये मत करो, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स कि नंबर वगैरह, कास्ट वगैरह, इसको ठीक से डालो, नहीं तो आपका जो है सीट अगर मिला भी तो चला जाएगा वो सीट आपके पास नहीं रहेगा. सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस थिंग एंड प्लीज डू दिस थिंग ऑल ऑफ यू एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड वीडियो को अपने सब फ्रेंड्स को शेयर कर दो, बिकॉज अगर किसी ने गलती किया तो सीट चला जाएगा. ओके, सो डू दिस थिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स फॉर टूडे एंड विल कम विथ अनदर एंड इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड वीडियो इन आकाशम एजुकेशन. सो मेक श्योर दैट यू कैन सब्सक्राइब आकाशम एजुकेशन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड थैंक यू to all.